सभी का स्वागत है SBN9 न्यूज में। जिस तरह से लखीमपुर खेरी का केस हुआ था, ये सभी को पता है कि कितना ये केस जो था ये कितना बुरा हुआ था उन किसानों के साथ जो जिन लोगों ने फार्मर बिल के खिलाफ आवाज उठाई थी। और इसी मामले में आरोपी अब उन्हें जो है सजा मिल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें आशीष मिश्रा की जमानत जो है वो जब्त कर ली गई है और उन्हें एक हफ्ते के अंदर पेशी करने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो है किसानों के नेता माने जाते हैं, मसीहा माने जाते हैं, उनका भी बयान अब सामने आया है। उनका कहना है जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी ना कभी पीड़ितों की सुनती है और इस वजह से इस बार ऐसा फैसला आया है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और लखीमपुर खेरी में ये मामला जो हुआ है अब फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ, जिस तरह से यहाँ पर लखीमपुर खीरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर राकेश टिकैत का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीड़ितों के लिए हमेशा हक में फैसले सुनाती है और साथ ही उन्होंने बोला है आगे वो लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे और वहां वकीलों से मिलेंगे और पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी वो भी तय होगी। लेकिन इसी बीच ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं वहां पर गवाहों के साथ कुछ यहाँ पर हाथापाई हुई है, उनकी जान को खतरा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो इस मामले को दबा दे और इस मामले जो केस में गवाही दे रहे हैं वो डर के मारे वो छोड़ दे? देखिए बिल्कुल मेघा, इसमें कोई शक नहीं है। इस जो पूरा मामला आज हुआ है, जो तूल भी पकड़ा है, इसको पूरी शुरू से अगर समझने की कोशिश करें तो शायद जो है समझ में आएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट को ऐसी एक्शन क्यों लेनी पड़ी, ऐसी नौबत क्यों आ गई। बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 नए कृषि कानून वापस होने से पहले ही जो है इस तरह की घटना हो गई। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर यूपी का उसके अंदर आता है, उसका बेटा ने ये जो है करतूत कारनामा किया जी। उसके बाद पहला दिन होता क्या है कि 4 दिन के बाद पहली बार तो पुलिस इस पर एक्शन लेती, इसलिए सवाल खड़े होने लगते हैं। विपक्ष के साथ साथ किसान भी सवाल खड़े करने लगते हैं कि अब जिसका बेटा जो मुख्य आरोपी खुद ही है तो आखिर उसका पिता जो लॉ एंड ऑर्डर उसी के हाथ में आता, पूरा उसी के अंडर है, तो कैसे उसको इंसाफ उसके साथ कैसे जो है न्याय कर सकता है। तो उसको बर्खास्त की मांग हुई, वो हुआ नहीं। तमाम विपक्ष ने पूरा दमखम लगा लिया लेकिन योगी के सामने क्या चलने वाला। बहरहाल ये तमाम चीजें हुई, उसके बाद जो है सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट का लगातार फटकार लगते रहा योगी को, उनको कहते रहे कि योगी जी आज कर क्या रहे हैं, आपको यहीं पे कोई एक आम आदमी होता तो क्या इतने ही लेट लगाते आप। इतना होने के बाद जो है फिर तमाम कमेटी बनी, SIT का रिपोर्ट आया, उसके बाद फिर वो जेल गए। लेकिन ठीक चुनाव से रिजल्ट से पहले इनके जो है जमानत मिल जाती है तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। अफसोस भी होता है कि आज देश में क्या हो गया है। उसके बाद जो है लोगों का मुंह चुप हो गया, विपक्ष का भी मुंह चुप हो गया, क्योंकि ये तो किसी जो है आम कानून ने नहीं दे, तो कोर्ट ने दे दिया, उन्हें बरी कर दिया जी। फिर बहरहाल लोगों ने चुप रहा, तमाम लोगों ने कहा कि फिर से दोबारा जाएंगे। राकेश जी के फिर से हालांकि कोर्ट गए, उसके बाद जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फटकार लगा ही दिया। फिर से जो है आपने बता ही दिया कि किस तरह से एक हफ्ते के अंदर उन्हें पेशी होनी है, और बिल्कुल सही होना, क्योंकि जब एक SIT की टीम बनी, स्पेशल रिपोर्ट बनी, उनके उसमें भी पाया गया कि आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है, उसके बावजूद अगर उनकी जमानत होती है रिहाई तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये बड़ा एक्शन है। तो आज इन सब चीजों को देखते हुए आज ये समझ में आ गया, लोगों को एक विश्वास जगेगा, किसानों के मन में थोड़ा विश्वास जगेगा कि हाँ जो एक न्याय हो रहा था हमारे खिलाफ, जाती हो रही थी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कर उनके अंदर एक विश्वास जगा दिया कि नहीं आखिरी वक्त तक जो है कानून पे भरोसा करना चाहिए। अब वो चीज होता हुआ दिख रहा, आज वाकई ये चीज समझ में आ गया कि टिकैत की मेहनत, किसानों की मेहनत, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि गलत लोगों पे बुलडोजर चल रहा है, तो आज ये कहने में कोई परहेज नहीं होगा विपक्ष लोगों को कि योगी के मंत्री पे ही आज सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चल गया। जो बाबा का बुलडोजर बहुत फेमस है, तो बाबा का बुलडोजर खुद पे भारी पड़ता हुआ आज नजर आ रहा है। जी, जिस तरह से आपने बाबा के बुलडोजर की बात कही आसिफ, आपको लगता है कि ये बाबा का बुलडोजर सिर्फ विपक्ष पर चलता है? पार्टी के नेता जब गलत करता है तो यही बुलडोजर नहीं चलता? यहाँ यूपी सरकार को बिना किसी जाति और धर्म के बुलडोजर चलाने को कहा जाता है कि यूपी सरकार जो है निष्पक्ष होकर बुलडोजर चलाती है, ना किसी जाति को देखती है, ना किसी धर्म को देखती है, लेकिन यहाँ पार्टी देखकर बुलडोजर चल रही है क्या? जिस तरह से सपा पार्टी के नेताओं पर बुलडोजर चली है, वही चीज जब वही गलती जब बीजेपी के नेताओं से होती है, वो बुलडोजर उन पर क्यों नहीं चलती है?
बिल्कुल, देखिए बहुत सही सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार आई है, बुलडोजर जिस तरह से काम कर रहा है, लाजमी है कि सवाल तो खड़े हो ही रहे। आप अगर वहां बुलडोजर चला रहे हैं जो वाकई में अपराधी हैं, जो उस चीज का हक है, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिन लोगों पे चले हैं, कई ऐसे मासूम हैं जिनके घर पे आपने बुलडोजर चला जाए, ना नोटिस दिया आपने, कुछ नहीं दिया, तो लाजमी है कि वो आज कहां जाएंगे। यार ऐसी एक दो खबरें नहीं है, मीडिया में खबरें आ रही है, एक बुजुर्ग महिला बेचारी मासूम रोती हुई नजर आ रही है कि अब कहां रहेंगे। तो बुलडोजर चलाना गलत नहीं है, आप चलाइए कोई इशू नहीं, लेकिन वहां मत चलाइए जहां जो भी, एक तो खुद ही वो चार झोपड़ी के अंदर रहती है, दूसरी बात कि बुलडोजर, तो और अफसोस की बात होती जब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का जो योजना है जिसके तहत बनता है उस पर भी बुलडोजर चल गया, तो सोचिए कितनी अफसोस की बात है। तो लाजमी है, और देखिए हमारा जो देश है वो लोकतंत्र का है, डेमोक्रेसी है, ये खूबसूरती है, और इस पे आप इस तरह से कानून से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो हर समस्या का हल बुलडोजर नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आज दोबारा सरकार बनी है तो जोश जुनून है, लेकिन इस जोश जुनून में आप कहीं भी बुलडोजर चला दे वो गलत है। तो विपक्ष यहाँ पे सही है जो आरोप लगा रहे हैं कि गलत लोगों पे बुलडोजर चला, बिल्कुल सही है। दो तीन खबरें ऐसी आई हैं जो गलत लोगों पे चली हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। और इसको लेकर सीएम योगी ने भी कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कहा कि सही लोगों पे बुलडोजर चला है, गरीबों पे ना चलाया जाए। लेकिन अब जिस पे चल गया है, तो मैं यही मांग करने की कोशिश करूंगा, जो जितने दर्शक वीडियो देख रहे हैं, अगर नेताओं तक हमारी आवाज पहुंच रही है, कि प्लीज उन गरीबों का घर जरूर बना दे, क्योंकि आज के दौर में मेगा महंगाई में आज जो हालत बने हुए हैं, इसमें खुद घर बनाना कितनी बड़ी बात है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। किसी की बेटी की शादी करनी होती है, किसी की बेटी की पढ़ाई करनी होती है, लेकिन इस दौर में भी बहुत बड़ा चीजें हैं, तो नेताओं को कम से कम उन गरीबों का घर जरूर बना देना चाहिए। और वही दूसरी तरफ जो है अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की बात जो है वो बार बार उठ रही है यहाँ पर आसिफ। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कृषि कानून के लेकर बवाल हुआ, उसके बाद से ये लखनपुर खीरी वाला मामला हुआ, उसके बाद टिकैत ने ये भी बोला है कि वो इस्तीफे की मांग अभी भी कर रहे हैं, वो इस निर्णय पर अभी भी टिके हुए, इस मांग पर अभी भी टिके हुए, लेकिन बीजेपी के कान पर जू रेंगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर उनकी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर दे देना चाहिए तो बीजेपी क्यों नहीं ऐसा कर रही है? बिल्कुल, देखिए दे देना नहीं चाहिए मेगा, ये बहुत पहले सवाल आ गए थे, वो दे भी नहीं सकते। हम लोग जानते हैं कि आज देखिए कानून काम नहीं करने देता है। आज जो है कोई विधायक चुन के आता है, हालांकि देखिए मैं तो मानता हूँ कि इस सबका शेर जो है जनता ही है, जनता चुन के भेजती है, आपको विधायक बनाती, विधायक से फिर आप मंत्री बनते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गुरूर आ जाता है कि वो भगवानी बनते अपने आप को नजर आते हैं। देखिए हाथरस की घटना हुई थी, जो एक शव को रातों रात जला दिया गया, बच्चे के साथ बलात्कार, आप लड़की हैं आप समझ सकते हैं कि कितनी जद्दोजहद से झेलना पड़ता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गरीब आज तक ने उन्हें इंसाफ मिला, इसी बुरा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का मामला आ गया, आगरा का एक कांड था जो युवक को मार दिया गया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। इन सब चीजों को देखने के बाद तो तब हुआ कि जब किसी मंत्री का बेटा खुद किया हो तो वो कैसे रह सकता है उस पद पे, तो सवाल खड़े हो रहा है। तो देनी चाहिए की बात ही नहीं, उन्हें तो खुद शर्म आके दे देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उनको गुरूर अहंकार को देखिए। एबीपी न्यूज का पत्रकार गया, उनके साथ बदसुलूक की, उनके साथ बदमाशी की, मारपीट की, कैमरा में रिकॉर्ड आया, तो ये जो ईगो दिख रहा है ये साफ जाहिर है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल के जो लोग हैं उनसे पूरा संरक्षण मिल रहा है, यही की वजह कि आज वो जो है बचे हुए हैं, अपने पद पे बरकरार है। तो विपक्ष कितना भी कुछ करने से मुझे नहीं लगता इन पे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो गया है। क्योंकि अगर खत्म नहीं होता तो वाकई में आज जो है अजय मिश्रा टेनी जो है वो आज मंत्री नहीं होता, और कहीं ना कहीं जो है उन्हें आज एक आम आदमी की तरह रहते हैं, और लोगों के मन में डर नहीं होता। आज भी चल लीजिए लखीमपुर में खुद गया था, लोगों के मन में डर है, किसानों के मन में डर है, जो आवाज उठाते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, पता नहीं कैसी जिंदगी आगे दुनिया आ गई है। लेकिन अब देखिए इस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक्शन लिया है, मैं उनको सलाम करता हूँ, और इस निर्णय से, इस फैसले से मुझे लगता है कि जिन लोगों का उम्मीद खत्म हो गया था मेगा, उनकी उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। जी बिल्कुल, आसिफ का कहना है कि जिस तरह से अभी उम्मीद लोगों की खत्म हुई थी इस निर्णय से, कहीं ना कहीं उम्मीद और न्यायपालिका पर जो भरोसा है वो अभी भी कायम है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में देखा गया कि किसानों को एक बड़े मंत्री के बेटे के कार से कुचल दिया जाता है, लेकिन इस पर एक्शन लेने में थोड़ी देरी भले ही हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है, अगर आप मंत्री के बेटे हो या फिर खुद मंत्री हो, अगर आप गुनहगार हो तो कानून की नजरों में सब एक बराबर है, और इस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो है आशीष मिश्रा, उस केस में, लखनपुर केस में, और इस फैसले से पीड़ितों के परिवार जो है उन्हें कहीं ना कहीं जो है थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।